हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नागराज का एक और कॉमिक विशेषांक, क्राइम किंग। महानगर, राज यानी नागराज का नया घर। और नागराज को अपने घर में गंदगी पसंद नहीं, अपराध जैसी गंदगी। और इसी गंदगी को दूर करने के लिए नागराज के नाग पूरे महानगर में फैल चुके हैं, जो ढूंढेंगे अपराध के अड्डे, उसकी मानसिक सूचना पहुंचाएंगे नागराज तक, और नागराज खत्म करेगा अपराध साम्राज्य उस अनोखे अपराधी का जिसको अपराध की दुनिया कहती है, क्राइम किंग। इनमें से कुछ अपराधों से तो नागसेना के सैनिक खुद ही निपट लेते हैं, लेकिन कुछ अपराधों से निपट सकता है सिर्फ उनका स्वामी नाग सम्राट नागराज। मुझे गरल दंत के मानसिक संकेत प्राप्त हो रहे हैं। वह महानगर के पूर्वी छोर पर स्थित एक गोदाम से मुझे संकेत भेज रहा है, यानी वक्त आ गया है नागराज का महानगर के अपराध जगत को खत्म करने का अभियान शुरू करने का। और महानगर के पूर्वी इलाके गोरीबंदर के एक गोदाम में संभल कर इन पेटियों में बारूद भरा हुआ है, गिरने ना पाए। क्या कर रहा है वे, खुद ही गिरा दिया ना पेटी को, चक्कर आ रहे हैं क्या? सांप, सांप, एक सांप से डर रहा है। अभी इसका काम तमाम किए देता हूं, ले संभाल कर। अरे अरे, ये क्या, ये सांप तो उड़ रहा है और उस कलाई के अंदर समा रहा है। इसका तो एक ही मतलब है, शाही के अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का दुश्मन नागराज यहां पर आ चुका है, नागराज महानगर में। लेकिन ये यहां तक कैसे पहुंच गया, सोचो, खूब सोचो। लेकिन इस टूटे बक्से ने मुझे ये जरूर बता दिया कि मैं पहुंचा सही जगह पर हूं, और अब तुम लोगों को भी सही जगह पर पहुंचा दिया जाए, जेल में भून डालो उसको। बड़े मूर्ख अपराधी हो, मुझे जानते हो पर मेरी शक्तियां नहीं जानते। वैसे तो गोलियों से मुझे ना ही तकलीफ होती है, लेकिन इस वक्त हम लोग बारूद से भरे गोदाम में खड़े हैं और धमाकों से मेरे कानों को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए सबसे पहला काम तो तुम लोगों के हाथों से इन खतरनाक खिलौनों को आजाद करवाना है, और उसके तुरंत बाद तुम लोगों के दिमागों को अच्छी तरह से हिलाना है, ताकि तुमको ये याद आ जाए कि तुम किसके लिए काम करते हो। बोलो, किसका है ये गोदाम, कौन है तुम्हारा मालिक? ये हम तुमको नहीं बता सकते नागराज, क्योंकि अगर हमने तुमको कुछ बताया तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, और अगर तुम लोगों ने मुझे ये नहीं बताया तो भी तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। हम जानते हैं कि तुम्हारे जंगल में आकर बच निकलना असंभव है नागराज, हम तो दोनों तरफ से मारे जाएंगे। लेकिन अगर हम डूबेंगे तो तुम भी हमारे साथ डूबोगे नागराज। ओह नो, नागराज अगर बिजली की फुर्ती ना दिखाता तो वह भी उस भीषण विस्फोट की चपेट में आ जाता जिसने बाकी तीनों गुंडों को निकल लिया था। ओह, कौन था ये सफेद बारूद से भरे गोदाम का मालिक जिसका नाम बताने के बजाय इन गुंडों ने मौत को चुन लिया? अगले दिन सुबह अवैध बारूद के गोदाम में धमाका, पुलिस की छानबीन जारी, महानगर में पहली बार नागराज का कारनामा। तो ये करिश्मा तुमने अगर दिखाया नागराज? हाँ भारती, महानगर के अपराध जगत को ये मेरा पहला पहला सलाम था, पर ये कामयाबी अधूरी है। मैं ये पता नहीं लगा सका कि वो गोला बारूद किसका था और किस काम के लिए था। यह पुलिस पर छोड़ दो नागराज, अभी हमको अपना सैटेलाइट चैनल शुरू करना है। मैंने अपने बॉस से बात भी की थी, और अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो अपने सैटेलाइट चैनल में हमको पार्टनर बनाने को राजी है। वह सब बाद में देखेंगे भारती, अभी एक और जरूरी काम है, तुम मेरे साथ आओ। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं नागराज? बिजनेस शुरू करने के लिए पहला कदम उठाने भारती, अगर हम किसी व्यापार में पैसा लगाने जा रहे हैं तो उस पैसे का सही हिसाब किताब होना बहुत जरूरी है। पर न कल को ये सवाल कभी भी उठ सकता है कि भारतीय कम्युनिकेशंस के पास वो करोड़ों रुपया आखिर आया कहाँ से। बात तो सही है, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर तुम क्या करने जा रहे हो? मैंने अपने खजाने का एक हिस्सा सरकार को सौंप देने का निर्णय लिया है भारती, उसके एवज में सरकार हमें उसके मुआवजे के रूप में काफी पैसा देगी, और वह सारा सफेद धन होगा। वाह, ठीक वैसा ही जैसे सरकार ने हैदराबाद के निजाम का खजाना लेने के समय किया था। हाँ, और ये पूरा काम अत्यंत गुप्त रूप से होगा, ये मेरा अनुरोध था और मंत्रालय ने मेरा यह अनुरोध मान लिया है। अभी हम इसी मंत्रालय के मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं भारती। उसी वक्त महानगर में ही किसी अज्ञात स्थान पर
गुलाम अंदर आने की इजाजत चाहता है महामहिम हेड। आओ तमारा, हेड को सलाम, हेड को गुलाम का सलाम। क्या तुम हेड को ये बताने आए हो कि कल रात को हमारा गोदाम नंबर 24 जलकर राख हो गया और हमारे 3 आदमी मारे गए? नहीं स्वामी, मैं जानता हूं कि महानगर में घटने वाली हर घटना का आपको तुरंत पता चल जाता है। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि खबर एकदम पक्की है, गोदाम नागराज ने ही नष्ट किया है। मुझे शक तो था कि कहीं पुलिस ने कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बनाई है नागराज का नाम लेकर हमें डराने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, नागराज सचमुच महानगर में ही है। खैर, घबराने की जरूरत नहीं है, नागराज किसी एक जगह पर टिक कर नहीं रहता, वह महानगर में ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। इसलिए जब तक वह शहर में है तब तक सारे धंधे बंद कर दो। हम खामा का कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते हैं, जो आज्ञा महामहिम। ये था महानगर के अपराध जगत का सुप्रीम डॉन हैट, जिसका ख्याल पूरी तरह से गलत था। महानगर में नागराज जाने के लिए नहीं आया था। हमने तुम्हारे सारा सरकार को दिए गए रत्नों का मूल्यांकन करवाया है नागराज। वैसे तो वे रत्न बेशकीमती हैं, लेकिन उनके मुआवजे के रूप में सरकार ने तुमको 65 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। इस राशि का चेक तुमको 3-4 दिनों में मिल जाएगा। मैंने आपसे ये मामला गुप्त रखने का अनुरोध किया था सर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये चेक मेरे सहयोगी मिस भारती के नाम पर हो। तुम्हारी प्रार्थना वैसे तो असामान्य है नागराज, लेकिन देश के प्रति तुम्हारी सेवाओं को देखते हुए हम तुम्हारी बात मानने को बाध्य हैं। धन्यवाद सर, अब हमें इजाजत दीजिए, अगर आगे कोई आवश्यकता हुई तो मिस भारती आकर आपसे मिल लेंगे। वाह नागराज, तुमने तो एक बड़ी समस्या को चुटकी बजाते ही आसान कर दिया, तुम्हारा भी जवाब नहीं। अब तो तुम मेरे साथ चल सकते हो ना मेरे बॉस से मिलने? अभी मिलने को कोई फायदा नहीं है भारती, चेक मिल जाने के बाद बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं इस पूरे मामले में सामने आना नहीं चाहता, क्योंकि मैं यह जाहिर नहीं करना चाहता कि भारतीय कम्युनिकेशन से नागराज का कोई संबंध है। यदि यह संबंध जाहिर हो गया तो मेरे दुश्मन भारतीय कम्युनिकेशन को अपना निशाना बनाना शुरू कर देंगे, और फिर मेरा नागराज से राज बनने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं भारतीय कम्युनिकेशन में एक मामूली कर्मचारी बनकर ही काम करूंगा, और तुम रहोगी भारतीय कम्युनिकेशन की मालिक, और दुनिया के सामने राज का और तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। वैसे भी अभी मेरे लिए ये पता करना ज्यादा जरूरी है कि वो गोले बारूद से भरा गोदाम देश के किस गद्दार का था। अगले कुछ दिनों तक महानगर के अपराधियों के बीच में नागराज का आतंक छाया रहा। कुछ धंधे तो सुप्रीम हेड ने खुद बंद कर दिए थे और बाकी धंधे नागराज ने बंद करवा दिए, और हर अपराधी से नागराज का एक ही सवाल था, कौन है अवैध गोला बारूद और हथियारों का सौदागर, कहाँ रहता है देश का वह गद्दार? लेकिन नागराज को हर जगह से एक ही जवाब मिला, मुझे नहीं मालूम, पता नहीं, कसम ले लो माँ की हम कुछ नहीं जानते। पुलिस भी नागराज की कोई मदद ना कर पाई। कुछ पता चला कमिश्नर साहब? नहीं नागराज, तुमने जितने अपराधी पकड़कर हमारे हवाले किए थे हमने उन सबकी चमड़ी उधेड़ दी, पर कोई अपना मुंह खोलता ही नहीं। ओह, यानी इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ? फायदा महानगर को हुआ है नागराज, इतने सालों में पहली बार कल किसी भी थाने में कोई भी आदमी रिपोर्ट लिखाने नहीं आया। अपराधियों के साथ साथ अपराध भी एकदम गायब हो गए। तुम्हारे आने से तो महानगर की तो काया ही पलट गई है। ये शांति अस्थायी है कमिश्नर साहब, जब तक मुख्य अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा तब तक खतरा बना ही रहेगा। नागराज का ख्याल सही था, यह शांति तूफान के पहले की शांति थी। यानी नागराज ने पूरे महानगर में अपराधियों का कारोबार ठप कर दिया है, हमको रोज लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, और वह नागराज महानगर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ महामहिम, हमारे धंधे बंद कर देने के बाद भी वह हमारे अड्डों तक पहुंच गए सुप्रीम हेड, और उसने उनको तबाह भी कर दिया। लेकिन वह हमारे अड्डों तक पहुंचा कैसे? वे तो अत्यंत गुप्त जगहों पर थे। ये पता करना ही पड़ेगा कि कहीं हम में कोई गद्दार तो नहीं, ऐसा असंभव है महामहिम। अभी हमारे कितने ठिकाने बचे हुए? सिर्फ एक महामहिम। वेरी गुड, नागराज वहां पर जरूर आएगा, और जल्दी आएगा। वहां पर नागराज के स्वागत का इंतजाम करके रखो, पूरा इंतजाम। इसी वक्त महानगर के दूसरे हिस्से में, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि और फिर से कह रहा हूँ डॉन पाशा, आपका पैसा मैं 1 महीने के अंदर अंदर चुका दूंगा, पाई पाई। वह कल की बात थी मिस्टर पहले जा, आज की बात करो। पैसा हमको आज चाहिए, अभी चाहिए। नागराज ने हमारे सारे धंधे बंद करा दिए, पैसे की सख्त कमी हो गई है। जब तुमको जरूरत थी तब हमने तुम्हें तुमको पैसे दिए, जितने चाहे उतने दिए, और वो भी उस वक्त जब बैंकों ने भी तुमको उधार देने से मना कर दिया था।
आज हमको पैसों की जरूरत है, इसलिए हमारे पैसे चुका दो जल्दी से जल्दी। मुझे एक हफ्ते का वक्त दो, मुझे अपनी सैटेलाइट कंपनी के लिए नए पार्टनर मिल गए हैं, उनसे पैसा मिलते ही मैं पैसा तुमको दे दूंगा। ओके ठीक है, एक हफ्ते का वक्त दिया, लेकिन अगर एक हफ्ते में पैसा हमारे पास ना पहुंचा तो उस खाली फ्रेम में तुम्हारी फोटो लगवाकर तुम्हारे घर वालों को भेज दी जाएगी फूल मालाएं चढ़ाने के लिए, समझ गए ना? अब जाओ और पैसों का इंतजाम करो। और उसी रात को नागराज की सर्प सेना एक बार फिर महानगर का कोना कोना छान रही थी, और नागराज उनसे मानसिक संपर्क बनाने के लिए ध्यान मुद्रा में लीन था। आज कोई संकेत नहीं मिल रहा है, अपराधी काफी चालाक हैं। पहले तो उसने अपने सारे धंधे बंद कर दिए थे ताकि मैं उनका पता ना लगा सकूं, लेकिन मेरी सर्प सेना ने उन बंद जगहों का पता भी लगा लिया था, पर आज तो कुछ भी। ओह, मुझे संकेत मिल रहे हैं, ये तो सर्प विष्कूट के संकेत हैं, उसने किसी अपराधी गड्ढे का पता लगाया है। मैं इन मानसिक संकेतों का पीछा करता हूँ। कुछ ही देर में नागराज अपनी मंजिल के सामने खड़ा था। संकेत यहीं से आ रहे हैं, सामने दो कारें भी खड़ी हैं, जरूर यही मेरी मंजिल होगी। लेकिन लेकिन ये क्या, मुझे एकाएक मानसिक संकेत मिलने बंद कैसे हो गए? विश्कुट विश्कुट तुम कहाँ हो? जवाब अगले ही पल नागराज के सामने आ गिरा। विश्कुट ये तो मृत है, लेकिन ये अभी अभी मरा है, क्योंकि अब तक सिग्नल मुझे मिल रहे थे। और इस घटना से एक बात साफ हो गई, और वह यह कि ये गुंडे मेरा ही इंतजार कर रहे थे, इसलिए इन लोगों ने विश्कुट को ढूंढ लिया और उसे मार दिया। इन दुष्टों को इस हत्या का दंड तो देना ही होगा। हालांकि मुझे अच्छी तरह पता है कि वे मुझे मारने की पूरी तैयारी करके बैठे हुए होंगे। दरवाजा टूटते ही कई घातक हथियार नागराज के शरीर में आ धंसे। नागराज का शरीर ऐसे जख्मों को सहने का आदि था, लेकिन गुंडों के शरीर ऐसे वारों को सहने के आदि नहीं थे, और कुछ ही मिनटों के अंदर खत्म हो गया अपराध के कीड़ों का एक और घर। नहीं नागराज, ये ट्रेलर तो सिर्फ इसलिए था ताकि करंटर तेरी फाइटिंग स्टाइल को देख सके। करंटर ने तेरी फाइटिंग स्टाइल देख ली है, और अब करंटर तुझे ठीक उसी तरह से मारेगा जैसे करंटर ने उस सांप को मारा था, एक झटके से। इसकी तलवार में तो करंट दौड़ रहा है, इस पर मेरी शक्तियां असर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इसका लबादा भी धातु के तारों से बना हुआ लगता है, और उसमें भी करंट दौड़ रहा है। चूंकि मैं इसको इसके बॉस का पता जानने के लिए जिंदा पकड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस पर तेज विष्फंकार छोड़ नहीं रहा, और मेरी हल्की विष्फंकार को इसका मास्क बेअसर किए दे रहा है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता नागराज, लेकिन मेरी तलवार तेरा हुलिया बिगाड़ कर रख सकती है। आह, ये तो बहुत तेज तलवार चलाता है, एक तो मेरा हाथ कट गया, ऊपर से झटका लगा सुअलग। इससे अगर कोई निपट सकता है तो सिर्फ मेरा रबर सोल का सूट। लेकिन आई, तेरी चीखें निकलती ही रहेंगी नागराज, क्योंकि मैं बड़े आराम से तेरा एक एक अंग काटूंगा। ओह, इसका तो जिंदा पकड़ना मुश्किल लग रहा है, अब इस पर तेज विस्फुंकार का वार करना ही होगा। एक मिनट, अजीब बात है, ये अपने हाथ की दोनों तलवारों को एक दूसरे के आसपास भी फटकने नहीं दे रहा, पर क्यों? अगर ये तलवारें एक दूसरे से छू जाएंगी तो क्या होगा? अभी देख लेते हैं। तलवारों के एक दूसरे से छूते चिंगारियों से कमरा चमक उठा, और अगले ही पल करंटर की चीखें कमरे में गूंज उठी। आह, तो मेरा सोचना सही निकला, ये दोनों तलवारें बिजली के दो पॉजिटिव और नेगेटिव तारों की तरह थी, जो आपस में छूते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता, खत्म हो गया करंटर। लेकिन ये तो बाहर भाग रहा है, शायद अब उसका मुझसे लगड़े का झगड़ा करने का मूड नहीं है, लेकिन मैं इसको भागने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे इसके बॉस का पता मुझे इससे बॉस का पता पूछना है। वो कार में भाग निकला, लेकिन यहाँ पर एक और कार खड़ी है, ये शायद उन गुंडों की कार होगी जिन्होंने मेरे बेहोश कर दिया, लेकिन अब ये कार मेरे काम आएगी उस कार का पीछा करने के लिए। वह रही करंटर की कार, अब कुछ ही सेकेंडों में मैं उसको पकड़कर उसकी जुबान खुलवा दूंगा। लेकिन ये क्या, ये कार मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही है, लगता है जैसे ये अपने आप चल रही है, ये मुझे महानगर के बाहर पहाड़ियों की तरफ ले जा रही है। उधर जाने का तो एक ही मकसद हो सकता है, ये मुझे पहाड़ियों से गिराकर मारने का षड्यंत्र है, लेकिन मुझे मरने का फिलहाल कोई शौक नहीं है। वह कार चाहे तो खड्डे में गिर सकती है, लेकिन मेरे बगैर। लेकिन इस चक्कर में वो करंटर मेरे हाथ से निकल गया, पर एक फायदा भी हुआ है, इस कार के खड्डे में गिरने से दुश्मन यही समझेगा कि इसके साथ मैं भी। अरे ये क्या, ये कार तो बैक हो रही है,
वापस ऊपर चढ़ी। आश्चर्य है, लेकिन नागराज के लिए आश्चर्य तो अभी सिर्फ शुरू हुआ था। उसकी आश्चर्य से फैली आंखों का अभी और फैलना बाकी था। ये क्या? क्योंकि उसकी आंखों के सामने वह कार धीरे धीरे एक रोबोट में तब्दील हो रही थी। हे देव काल जी, ये कार तो देखते ही देखते एक रोबोट में बदल गई, और ऐसा होने का एक ही कारण हो सकता है, और वह यह कि जिस अपराधी ने इस कार को भेजा वह सारा दृश्य देख रहा है, और उसने मुझे मौत देने का पूरा इंतजाम कर रखा है। पहले मकान के अंदर गुंडों ने मुझ पर हमला किया, उनसे मेरी जान बच जाने की स्थिति में करंटर मेरे लिए तैयार था, और उससे बच जाने की स्थिति में उसका भागना और मेरे लिए एक कार का वहां पर होना पहले से ही तय था, ताकि वह रिमोट कंट्रोल कार मुझे साथ लेकर खड्ड में गिर जाए, और अगर मैं उससे भी बच गया तो इस कार का रोबोट बनकर मुझ पर हमला करना भी पहले से ही तय था। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, ये उस अज्ञात अपराधी का आखिरी बार है। इसको खत्म कर देने के बाद ये लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। लेकिन कैसे? इस रोबोट पर ना तो मेरी विश्वंकार काम करेगी, न सर्वसेना, और ना ही सम्मोहन शक्ति। अब तेरा अंत आ गया है नागराज। अब तेरा अंत आ गया है नागराज। तेरी कोई भी शक्ति मुझ पर काम नहीं करेगी, लेकिन मैं तेरा अंत करके ही तुझे छोड़ूंगा। ले संभाल मेरा एक और लेजर ब्लास्ट। इस बार का लेजर ब्लास्ट बहुत शक्तिशाली था। चट्टान के नुकीले टुकड़े तो हवा में उड़े ही उड़े, साथ ही साथ चट्टानों का एक बड़ा हिस्सा भी पिघल गया। उफ, बाल बाल बचा। ये कार से रोबोट बना है, और अगर ये पहले कार था तो इसमें पेट्रोल टैंक जरूर होगा, और उस टैंक में चट्टान का यह नुकीला टुकड़ा बड़े आराम से इतना बड़ा छेद कर सकता है कि पेट्रोल बहने लगे, और यह दहकता हुआ चट्टान का टुकड़ा उसमें आग लगा सके। देखते ही देखते आग की लपटों ने तो रोबोट को घेर लिया। ओह, ये क्या? तूने मुझे नष्ट कर दिया है नागराज, पर तू अभी जीता नहीं है। मैंने अपने अंदर लगा इमरजेंसी डिस्ट्रक्शन सर्किट चालू कर दिया है। अब से 5 सेकंड के अंदर मेरा शरीर बम की तरह फटेगा। बचकर भाग सकता है तो 5 सेकंडों में भाग ले। 5 सेकंडों में मुझे तो कहीं नहीं भागना है, लेकिन मुझे ये जरूर देखना है कि इन 5 सेकंडों में तुम कितने नीचे गिर सकते हो। एक धमाके के साथ कार रोबोट के चीथड़े उड़ गए। नागराज यह भीषण जंग जीत चुका था। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं क्राइम किंग के दूसरे और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।